प्लीज सब्सक्राइब हमारा इस्लाम। 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएं, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अपने कर्म से उन्हें यूं ही जन्नत अता फरमाए। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो आका करीम ने शर्त में कानू ला यक्तरून, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पे दाग नहीं लगाते, मखसूस निशान जिस्म पे लगा लेते हैं। ये फलां बुजुर्ग की निशानी है, ये फलां जो है वो शहीद की निशानी है। अल्लाह ने जब तुम्हें सालिमुल आज़ा पैदा किया है तो अपने बदन को तुम क्यों निशानी? उसने सारी निशानियां लगाई, उसकी निशानियां इतनी पक्की हैं कि उस निशानियों में फर्क भी नहीं लगता ना कि तुम्हारे अंगूठे की निशानी है। 6 अरब इंसानों को ले आओ निशानी, अंगूठा ले आओ, किसी एक का भी नहीं मिलेगा। निशानी तुम्हारी आपने लगाई, जैसी सूरत तुम्हारी है ऐसी सूरत किसी और की नहीं बनाई। तुम्हें मुनफरद बनाया इसमें, पूरी कायनात में सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं लेकिन तुम फिर भी अलग दिखाई देते हो। सबकी 2 आंखें, सबका नाक, सबके होंठ, सबका रंग मिलता जुलता लेकिन सबकी शक्लें अलग हैं। ये जैद है, ये बकर है, ये अमर है, ये आस है, ये फला। दूसरे वो वला यस्तरकून, और वो रुकिया नहीं करते। ये छू मंतर जादू टूना हर वक्त आमलों के पास भागे फिरते हैं और वो उन्हें जो है वो गलत सलत टोटके टूने बताते हैं और वो करते रहते हैं। अजीब लोगों के नफ्सियात होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इसी चक्कर में रहते हैं, फिर सारी जिंदगी दबा हो मार से निकल ही नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे जिससे इसको नजर नहीं लगेगी। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी। और मियां हंडिया क्या बचाएगी? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाजिल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुज़ूर पे दुरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खामखा के रुकिए और ये आमिल लोग जो हैं इनका तो काम ही है, इनका काम चलता है, लोग ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी में मुब्तला रहे हैं। और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्हें तय कर रखी होती है, फौरन से वहां जाकर लिख हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है, तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में, तो फौरन जहन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ हाँ उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया, इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए लेकिन 2 इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू घर से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, 2.5 पारे, हमें कोई तावीज ही करते, हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह 2.5 पारे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कोई तावीज ही लिखते हैं। कारोबार में बरकत नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ो ना सूरा वाकया, 3 रुकू हैं, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख लें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत हो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ, आओ सजदों पे आओ, आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल में मुस्तज़िकुन है, कोई रिज़क मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे, तो फिर देखना कभी कमी नहीं आएगी।